फाउंडेशन के हिसाब से ये रेगुलरली आप यूज कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया वर्क करती है गाइस। सो फ्रेंड्स मैं ऐसे अप्लाई कर दूंगी प्रॉपरली, जहां पर भी मेरे डार्कनेस लगता है मुझे स्किन पे वैसे मैं अप्लाई कर दूंगी। देखिए फेस खाली वो पीको क्रीम लगा के इतना अच्छा हो गया, राइट गाइस। सो देखिए मुझे यहाँ पर थोड़े दाग है, बस यहाँ पर मैं प्रॉपरली लगा दूंगी, हैंड से ही मैं करूंगी सबसे बेस्ट। सो फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेकअप इधर करो तो यहाँ पर भी करो, तो उतना ही बेटर रहता है। तो यहाँ पर भी मैं कर दूंगी गाइस, तो देखिए मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है, राइट। बट यहाँ पर आईब्रो पेंसिल की कमी है, तो अभी मैं ये ले रही हूँ, ये यूज कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल ब्लू हेवन की। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन पे बिल्कुल देखिएगा, बहुत अच्छी है। तो ऐसे पहले तो ये वाला ब्रश मैं यूज करने वाली हूँ, ये वाला देख सकते हैं। तो ऐसे पहले तो मैं शेप में ला दूंगी आईब्रो को, राइट। उसके बाद में ये देखिए ऐसे ये जो पेंसिल है, देखिए मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। पहले ना मैं शेप कर देती हूँ आईब्रो को, देखिए कितना फर्क पड़ा है इसमें और इसमें, दिख रहा है ना फर्क। तो आईब्रो अगर आपकी अच्छी भी हो तो बीच बीच में थोड़ा सा आपको गैप फील करना ही चाहिए उसमें। क्लीन हिल पैलेट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें सुपर सुपर शेड्स अवेलेबल है गाइस, आप देख सकते हो इसमें बहुत बढ़िया शेड्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे शेड्स है, राइट। तो मुझे ये बेहद ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है मुझे दिस शेड, बिकॉज इट्स रियली मैच दिस शेड्स। एंड ये वाला थोड़ा सा उसमें मैं ब्लेंड करूंगी दोनों चीज का, बहुत मजा आएगी गाइस, देखते हैं कैसा लगेगा। तो ये वाला मैं फ्लफी ब्रश ले लूंगी इसके लिए, ये वाले कलर के लिए, राइट। देखिए मैं इसे लगा दूंगी, पहले आपको ना लास्ट के कॉर्नर में ऐसे ऐसे करना है, या हैंड्स पे भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो और ऐसे लेके आ सकते हो। सेम एज इट इज ये दूसरा वाला ब्रश से आपको ये वाले ब्रश से क्या करना है, ये वाला ले लेना है शेड जो लाइट मुझे पसंद था, ये वाला। ब्राउन कलर आप देख सकते हो, मेटेलिक ब्राउन कलर ऐसा अप्लाई करने वाले हैं।
थोड़ा शिमर ऐड करने के लिए हैंड से ही अपने आईबॉल्स पे। कितना अच्छा लगता है राइट गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये वाले आईज और ये वाले आईज को कितना अच्छा लग रहा है राइट। अब बारी आती है लाइनर की, तो मैंने ये क्यूट सी लैब में की दोनों खरीदी है, ब्लैक एंड एक ब्लू में। मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ब्लू भी, आप कोई भी व्हाइट ब्लैक ब्लू कलर के कपड़े पे यूज कर सकते हो, ग्रीन कलर के बहुत बहुत फंकी एंड बहुत अच्छी लगती है। और ये ब्लैक खरीदी है, बहुत मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइनर है, तो आप इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, बिल्कुल चेकआउट करिएगा गाइस। तो उसके बाद में मैं क्या करूंगी, अच्छे से एकदम पतली सी लाइनर लगा दूंगी, आपकी चॉइस है। तो देखिए मैं लाइनर कैसे अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले ये जो निकालना है अपने को टिप और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बॉर्डर दूंगी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक हो जाती है। सो फ्रेंड्स देखिए, सेम एज इट इज, मैंने यहाँ पर हुडा ब्यूटी का पैलेट मंगाया है, बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। आप देख सकते हो बहुत सारे शेड्स हैं, बट अब मैं कौन सी शेड की लगाऊं अभी हम डिसाइड करेंगे, विच शेड। आई गेस ये थोड़ा सा ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है दिस कलर शेड, आई गेस दिस इज वेरी नाइस कलर, मुझे लगता है मेरे टॉप पे अच्छी लगेगी। तो ये वाली गाइस कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ब्लश पैलेट भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैलेट है, तो यहाँ पर मैं देखो कौन सा मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। मैं थोड़ा सा ये टेक्सचर और ये वाला मिक्स करके, अब मिक्स करके भी कर सकते हो, मैं भी मिक्स करके करने वाली हूँ। स्माइल गाइस कितना अच्छा लग रहा है, एंड आप थोड़ा नोज पे भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर हाइलाइटर भी है तो देखिए कितना प्यारा हाइलाइट होता है राइट। वैसे मैं अपने नोज पे लगा लूंगी, अपने चिक्स पे, क्योंकि हम हाइलाइट होते रहे हमेशा। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा, तो आप प्लीज मेरे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जो ऑल सब्सक्राइब कीजिए कि सबसे पहले आप लोग ही मेरा वीडियो देख पाओगे। और फ्रेंड्स हेडलाइक करना बनता ही है, कंजूसी मत करिएगा, बिग हेडलाइक दे दीजिएगा और प्लीज शेयर भी करिएगा और कमेंट में लिखिएगा डन, तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगी। अभी का नाम देखना है तो देखिए, टिल देन केयर, बाय बाय।